मूली सब सही सही है, बढ़िया बढ़िया है, एकदम मीडियम साइज के ज्यादा। तो राम राम दोस्तों, एक और नई ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 9:30, तो अभी आया हूँ दुकान से जस्ट घर नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में आज बना है पोहा, तो बाबू भी कर रहा है इधर नाश्ता। अब बाबू जितना भी हो सके उतना कर रहा है लेट, क्योंकि भाई स्कूल का टाइम है 10:30। अब बाबू कर रहा है लेट एकदम, मतलब कि नाश्ता वास्ता नहीं कर रहा, रोने वोने वाला हरकतें कर रहा कि स्कूल ना जाना पड़े। तो इधर देखो बाबू को, मैं बाबू जल्दी जल्दी नहीं खाना आएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तो नहीं कर रहा, एकदम स्लो स्लो कर रहा कि भैया स्कूल की वैन छूट जाए, अब मेरे को स्कूल ना जाना पड़े ना बाबू। तो ठीक है, तो गाइस तो करते हैं नाश्ता वास्ता, देखते हैं कि नाश्ता करके मतलब कौन जीतता, बाबू जीतेगा कि मैं जीतूंगा। बाबू हो जाए रेस। बाबू बोल रहा हूँ कि चल रेस कर, कौन जल्दी खाता है। तो बाबू बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा जल्दी, तू जल्दी खा, क्योंकि भाई मेरे को स्कूल जाना नहीं है ना। बाबू स्कूल नहीं जाएगा आज, स्कूल नहीं जाएगा बोलते थे। इससे कुछ भी पूछो तो बाबू बोलते नहीं है, बाबू है, बाबू के पास दिमाग नहीं है ना बाबू। बाकी ये रहा अपना पोहा, बाकी पोहा तो भाई बढ़िया दिख रहा, तो खाते हैं। तो गाइस मेरा नाश्ता पानी तो हो गया, तो लेके जा रहा हूँ भाई के लिए नाश्ता, ये रहा टिफिन। तो गाइस तो अभी इसको देने के बाद चले जाना है कहाँ, मुझे पुराने वाले घर पे। अब वही खोज रहा हूँ फावड़ा, तो फावड़ा तो मिल नहीं रहा है, यहाँ भी देख लिया घर में। अब देखता हूँ पुराने वाले घर में है कि दुकान में है, इसको पहले दे देता हूँ तो खा लेगा नाश्ता वास्ता। तो बैठा है कुर्सी में, तो बात चल रहा है फ़ोन में बात चल रहा है अम्मा से, तो यहाँ पास रख देता हूँ टिफिन। तो दुकान से आ गया हूँ पुराने वाले घर, तो यह है अपना सब्जी का बगिया। तो गाइस तो अभी देखो भाई भी आ गया नाश्ता करके, तो वो भी तोड़ रहा है टमाटर वमाटर जो कुछ भी मिल जाए, तो तोड़ रहा है। तो सुबह से भाई ढूंढ रहा था फावड़ा, तो फावड़ा को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि भाई फावड़ा का है आज काम यह है कि आज करना है घर में साफ़ सफाई का काम, क्योंकि भाई जो हमारा अरहर का फसल है ना वो कहीं कहीं पक गया है, तो उसी को करना है कटाई। लेकिन आज नहीं कटाई करना है, पहले तो साफ़ सफाई करना है। तो पहले तो भाई फड़ुआ ढूंढता हूँ, फड़ुआ तो होना चाहिए यहीं पास, तो अभी जाके देखता हूँ फड़ुआ है कि नहीं है। मूली सब सही सही है, बढ़िया बढ़िया है, एकदम मीडियम साइज़ के, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। बाकी तो भाई जो इसका पत्ता निकलेगा ना, इतना बढ़िया मूली है, इतना बढ़िया मूली है, जो पत्ता है ना, पत्ता भी फेंकने वाला नहीं है, इसका बन जाएगा भाजी। और यह है बोरिया, तो इसी में जब अच्छी तरह से साफ सफाई हो जाएगा ना, इसी बोरिया में भर के लेके चला जाएगा घर। बाकी तो भाई 2 से 2.5 किलो मूली मिल गया है खेत से, 4 किलो है, तो 4 किलो मूली मिला है, इतना बहुत है खाने के लिए, एक दो दिन का सब्जी हो जाएगा। तो इधर देख रहे हो गाइस एकदम बोरी तो भाई पूरा भर गया, तब लेके चला घर। जाओ ये घर, तो मैं तो करता हूँ भाई अपना साफ सफाई का काम। और जैकेट उतार के रख दिया हूँ क्योंकि भाई काम कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था। और धूप तो बहुत ज़्यादा ही अभी निकला है, अभी धूप तो इधर यहाँ है, इधर धूप नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद इधर भी धूप आने वाला है। बोरी में मूली लेके जा रहा था तो मैंने बोला भैया अमरूद तोड़ ले, अमरूद बहुत सारा पका हुआ है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया साइज़ के हैं, और इसको अपने यहाँ इसको अमरूद भी बोलते हैं और बीही भी बोलते हैं, तो इसको मैं तोड़वा देता हूँ कि भाई मूली के साथ साथ तू अमरूद के भी ले जा। अभी तो भाई वो तोड़ रहा है, ये है गाइस मस्त बीही अमरूद, खाने में तो टेस्ट तो इसका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मीठा मीठा लगता है बीही, और ठंडी के समय में अमरूद थोड़ी ज़्यादा फरता है। और छोटा सा पेड़ है, इस छोटे से पेड़ में बताओ इतने सारे अमरूद लगे हैं, ये देख रहे हो, इसमें चढ़ना उड़ना नहीं पड़ता, अपने हाथ से खड़े खड़े ऐसे पहुँच के इसे तोड़ लो। गाइस आखिरकार भाई पूरा कंप्लीट हो गया साफ सफाई के काम, तो मैंने वो चालू किया था वहाँ से करते करते आए यहाँ तक पूरा साफ सफाई। अब इसमें होगा गोबर से होगा इसमें पोताई, तो पोताई तो आज नहीं होगा, कल मुझे एक मजदूर बुलाकर पूरा पोताई उताई करवाना होगा। और जब उसके बाद जब पोताई उताई हो जाएगा कम्प्लीट, तो उसके बाद फिर अरहर की कटाई चालू, जो अरहर पका होगा उसको यही पास
ला ला के रखना है। पहले तो भाई इसका पोताई उताई करवाएंगे आंगन का। तो ठीक है, तो गाइस सब चलते हैं घर, नहाते हैं, खाना पीना खाते हैं। अब फड़ुआ को रख देता हूँ अंदर, फड़ुआ को यहीं पर रख दूंगा। तो आ गया हूँ टंकी की तरफ नहाने के लिए। वैसे तो कपड़े भी धोना है, चप्पल भी धोना है, क्योंकि भाई चप्पल और कपड़े में इतना धूल और डस्ट बैठा है ना कि भाई पूरा साफ अप करना है। तो ये रहा मेरा चप्पल। तो ठीक है, तो जल्दी से भाई कपड़े वपड़े उतारता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ कपड़े वपड़े, और चप्पल भी धोना है। और वैसे तो दुकान तो अभी खुला है, क्योंकि भाई दुकान में है भाई। अब मैं सीधे वहाँ से दुकान नहीं गया, सीधे घर आ गया नहाने के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी थका हुआ हूँ और नहाना है और खाना है, भूख भी लगा है बहुत तेज। तो ठीक है, तो गाइस जल्दी से नहा लूँ। गाइस नहा लिया, नहाते ही अभी भाई तेल लगा लिया, तो कर रहा हूँ अभी कंघी, तो वो तो दिख ही रहा है। तो खाना तो अपना निकल रहा है। अब बताओ, अपना जैकेट भूल गया वहीं जहाँ काम कर रहा था घर में, पुराने वाले घर में। तो हो गया, तो अभी तो जाऊँगा नहीं, खा पी के सीधे भाई थोड़ी एक दो घंटे की नींद लूँगा। उसके बाद शाम को 3-4 बजे जब अपनी दुकान खुलेगी तब जाके अपना जैकेट ले आऊँगा। तो भाई अभी तो भाई अपना खाना भी निकल रहा है, खाना निकल रहा है। बताओ, लाइट भी गोल हो गया, लाइट गोल हो गया। बताओ मेरे तरह की, जब मैं घर आया तभी तो लाइट था, नहाने वाने के बाद सोचा कि भाई खाना खाते समय भाई पिक्चर विक्चर देखूँगा, लेकिन लाइट ही गोल हो गया। तो घर के अंदर आते ही लाइट भी आ गया, लाइट भी आ गया, टीवी भी चालू कर दिया। और टाइगर तो भाई अभी सो रहा है, टाइगर सुबह भी सो रहा था, दोपहर में भी सोएगा, शाम तक सोएगा। तो अभी तो अपना खाना भी निकल गया। तो खाने में है चावल दाल और सब्जी है पालक का और पत्ता गोभी। अब मूली भी ले लिया जो सुबह उखाड़ा था। तो ठीक है, तो अपना मैं खाना पीना खाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।